खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। आज हम लोग आपको लेके जाएंगे ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खिलाने के लिए। आज हम लोग जाएंगे श्री सिंपली साउथ के नाम से एक नया रेस्टोरेंट खुला है अशोक उद्यान के पास में, और पूरा इनका जो ऑथेंटिक जो खाना जो साउथ इंडियन का होता है वो आपको ये सर्व कर रहे हैं यहाँ पे अपने ब्लू सिटी में। चलिए सीधा चलते हैं श्री सिंपली साउथ जो कि अशोक उद्यान के पास में, और वहाँ चल के उनका साउथ इंडियन खाना ट्राई करते हैं। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। देखते हैं कि इनसे बात करेंगे कि क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है। वैसे तो साउथ इंडियन की बात करते हैं तो मसाला डोसा, रवा डोसा, इडली और ये हमारे दिमाग में आता है, और भी देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है। चलिए उद्यान की रोड पर आ चुके हैं अब, बस अब यहाँ पे अशोक उद्यान के पास में जो दुकानें नहीं बनी हुई है वहाँ पर ही इनकी ये श्री सिंपली साउथ के नाम से रेस्टोरेंट है। ये देखिए यहाँ आई कि हम लोग सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, ये सब दुकानें स्टार्ट हुई ना, देखिए सब दुकानें हैं यहाँ पे। इसमें से एक शॉप है सिंपली साउथ के नाम से। ये एक सेक्शन हो गया दुकानों का, और अब आगे जो दुकान है उसका सेक्शन आएगा। देखिए ये देखिए सिंपली साउथ का वही सिंपली साउथ का, ये रही सिंपली साउथ ऑथेंटिक साउथ इंडियन के नाम से इनकी शॉप है। चलिए सीधा यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के डोसा ट्राई करते हैं। सिंपली साउथ के नाम से इनकी ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड आपको ट्राई कराएंगे आज। चलिए चलते हैं, सबको बुला लिया इसने। आज तो दोपहर में साउथ इंडियन ट्राई करेंगे, और हम लोग पहुँच चुके हैं श्री सिंपली साउथ के नाम से जो कि अशोक उद्यान के पास में जो दुकानें बनी हुई उसमें लोकेटेड है। चलिए चलते हैं। और मैंने से बात की साउथ का जो स्पेशल जो डोसा है वो हम लोग ट्राई करेंगे आ जाए। खुशबू आ रही यार, मतलब डोसे की खुशबू आती ना, खुशबू आ रही। यहाँ पे दो सीटिंग है, एक तो इनका नीचे की तरफ सेक्शन है और एक ऊपर आपको नीचे चलेंगे, हम लोग उसको बैठेंगे। और जैसे ही मतलब आते हैं एकदम खुशबू आती डोसे की, जबरदस्त। चलिए आ जाए। मस्त है, नहीं सीटिंग बहुत अच्छी लगी। तो मतलब आप यहाँ पे फैमिली की इन्होंने अलग से सीटिंग दी हुई है, आप यहाँ फैमिली को लेके आए, कोई तकलीफ नहीं होगी। नीचे भी सीटिंग है, ऊपर भी सीटिंग है, आराम से बैठे। और अब आपको पूरा मेन्यू दिखाते हैं, फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं कि हमारे लिए स्पेशल जो इनका डोसा है सिंपली साउथ स्पेशल डोसा ये कैसे बनाते हैं। चीज भी सब मस्त मार के बनाएंगे जोरदार। देख ले सिंपली साउथ का मेन्यू मेरे सामने है। देखिए इडली आपको मिल जाएगी, प्राइस देखो कितनी रीजनेबल है यार, मतलब ऐसी सीटिंग के साथ में आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये दे रहे हैं। प्राइसिंग भी देखिए, मेदू बड़ा हो जाएगा आपको यहाँ, उत्पम मिल जाएगा, ये देखिए बेवरेजेस आपको मिल जाएगी, डोसा इनके पास में इतना सारा है यार, क्या बात है। और हम लोग इनका ट्राई करेंगे, इनका जो ये सिंपली साउथ स्पेशल डोसा है वो 180 रुपये का है, और देखते हैं वो हमारे लिए कैसे बनाते हैं। और इनके स्वीट भी आपको मिल जाएगी, केसरी सीरा मिल जाएगा आपको, क्या बात है। चलिए चलते हैं इनकी किचन में और वहाँ चलते हैं। तो बस जैसे हमने आपको पूरा मेन्यू दिखा दिया, देखिए इनका लाइव यहाँ पे काउंटर भी है, इन्होंने सब कुछ ओपन है इनके यहाँ पे। और चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें साथ दिया। सर कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छी सी यार, छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छा एकदम सेटअप किया है, और ऊपर जो पेंटिंग है ना जैसे साउथ इंडियन के जो होते हैं वो वाकई में ज़बरदस्त है। आज हम लोग आपके यहाँ पे जो आपको जो स्पेशल जो डोसा है साउथ सिंपली साउथ वाला वो ट्राई करेंगे सर। चलिए अंदर चले। थैंक यू सर। चला जा, ये देखिए एकदम साफ सुथरा काम करें। देखिए इनका जो किचन है पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये देखिए सर, कौन सा आज पिज्जा सॉरी डोसा कौन सा लगाएंगे आप हमारे लिए? सिंपली साउथ लगाएंगे। चलिए आ जाए। देखिए पूरा इनका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब यहाँ पे इन्होंने पहले से डिस्प्ले में रखे। चलिए देखते हैं कैसे डोसा ये लगाते हैं। आप लोगों का आपको वो मीठा भी ट्राई करना था लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है। आपको पता ही हमने इतनी सारी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का कवर किया और इनका जो मीठा होता है वो वाकई में ज़बरदस्त होता है, लेकिन आज इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सिंपली साउथ का स्पेशल डोसा हम लोग बना रहे हैं। क्या नाम है आप? ऑयल है। इसको बटर में बनाएंगे? बटर में रहेगा ना, पूरा पहले मारा जाता है।
चटनी, ग्रीन चटनी स्पेशल जो आप लोग बनाते हैं। और ये किसकी चटनी है? ये मैसूर चटनी है। क्या बात है यार, जबरदस्त। पूरा स्प्रेड कर देंगे ताकि जो भी फ्लेवर्स है वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे डोसे में। ये देखिए दो टाइप की चटनी इन्होंने स्प्रेड कर दी, एक तो उनकी जो ग्रीन चटनी है वो स्पेशल और एक इनकी मैसूर की चटनी है। दो टाइप का आपको टेस्ट इसमें मिल जाएंगे यार, और चटनी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप यकीन माने चटनी एक लगती छोटी सी है लेकिन बहुत मेन चीज़ होती है कोई भी खाने की। ये पूरा बटर चला गया इसमें, क्या बात है, अमूल बटर है, जबरदस्त। भाई साहब ने पूरा जो मसाला है ना उसको एकदम स्प्रेड कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से इन्होंने स्टफिंग कर दी और ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा स्प्रेड किया ताकि आप कहीं से भी एक बाइट इसको आप लेंगे तो सारे फ्लेवर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कभी कभी होता है कि सिर्फ डोसा का जो ऊपर वाला जो प्लेन डोसा था वही आपको मिलता है। ये देखिए कैरेट इन्होंने इसमें ग्रेट करके डाल रही है, ये 180 रुपये का है। बाकी बहुत से डोसे आपको और मिल जाए लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ ट्राई करें, ये टोटली डिफरेंट डोसा आपको मैं यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। वाकई में ये क्या है, कोकोनट है, ये देखिए काजू भी चले गए इसमें यार, जबरदस्त। धनिया चीज बहुत सी चीजें चलेगी इसमें यार, जबरदस्त। ये चीज आपको ट्राई करनी तो आपको श्री सिंपली डोसा पे आना पड़ेगा, इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। वैसे अशोक उद्यान के आसपास ही है फिर भी आपको नेविगेशन के उसमें जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और थोड़ा अच्छा लगे इसमें फर्स्ट, ये हमारा जो डोसा है वो रेडी होने वाला है। शेफ रेडी होने वाला है ना, बस जो भी मसाले इसमें डाले वो पूरे इन्होंने सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखिए अगर आप एजेस की बात करेंगे तो एजेस भी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बस कुछ टाइम और फिर ये हमारे लिए ट्राई करने के लिए रेडी रहे। डोसा है वो रेडी है, अब इसको सर्व करेंगे हम लोग प्लेट में। और इस पर थोड़ा बहुत चीज ग्रेट करेंगे, तो चीज इन्होंने काफी मात्रा में यूज की है। कौन सी चीज़ यूज करते हैं अपन शेफ? ये अमूल है, अमूल हमोस की, अमूल 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 का सारी चीज़ें अमूल की जब यूज़ करते हैं तो आप यकीन माने अमूल में क्या है थोड़ा बहुत वो नमकीन टेस्ट भी आता है। अगर बटर की बात करेंगे उससे क्या और ज़्यादा टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अगर आप वैसे, मैं देखा बहुत से लोग डिलीशियस बटर यूज़ करते हैं लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, अमूल में जो नमकीन टेस्ट आता है ना उससे और सारी चीज़ों का टेस्ट बढ़ जाता है। पूरी गार्निशिंग कम्प्लीट होने वाली है, बस अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। रेडी सब, चलो रेडी चलिए। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम लिया। हमने पूरे मेकिंग तो आपको दिखा दिया और अब हमारा जो स्पेशल जो डोसा है वो आ चुका है। देखिए ये स्पेशल श्री साउथ श्री सिंपली साउथ का जो डोसा है वो, ये हमारी वाइट चटनी और ये सांभर। भैया चम्मच देते ना, थैंक यू। सब्जी भी इन्होंने डाली हुई, बिकॉज मैं जब भी बहुत सी जगह देखा है सब्जी वो लोग यूज ही करते। इसमें देखिए सिंगफली भी है इसमें, और ये क्या है यार, देखिए इसको ट्राई करते हैं। सब्जी भी इसमें, सांभर तो यार वाकई में जबरदस्त है, मजा आ गया। सांभर एकदम ऑथेंटिक जो साउथ इंडियन जो सांभर लोग सर्व करें ना, तभी तो उनका नाम रखा गया ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड जो सर्व करें। ये ट्राई करते हैं,
थोड़ा बारीक डोसा ही है, अजय पास में आके है। ये इनका पूरा आपको पूरा प्रोसेस बताया हमने, इसको ट्राई करते हैं। दो टाइप की इसमें चटनी नीचे स्प्रेड की, आलू है इसमें, इसमें गाजर है, चुकंदर है, सब कुछ है इसमें। मज़ा आ गया, सारे फ्लेवर्स आपके मुँह में आ रहे। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने दो टाइप की चटनी यूज़ की है, आज जो आलू का जो स्टफिंग होती है वो पूरा इन्होंने स्प्रेड किया, और उसके साथ साथ में जो चीज़ है और सारे जो कॉम्बिनेशन में यूज़ किए वो टॉप क्वालिटी के साथ। सबसे अच्छा मेरे को लगा इनका समर यार, साथ साथ में यार इन्होंने जो कोकोनट जो यूज़ किया है ना उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चलिए प्लेन तो हमने ट्राई किया, अब उसको समर के साथ भी ट्राई करते हैं। अभी जैसे जो ओनर थे ना, ओनर ने कहा कि यहाँ का मैसूर डोसा भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा मैसूर डोसा आपको पूरे जोधपुर में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कभी यहाँ पर आए जोधपुर के, आपने बताया कि आप आएंगे तो इसके साथ साथ में आप उनका मैसूर डोसा भी ट्राई करें। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके एंड में जाके फिर वीडियो खत्म करेंगे। श्री सिबली साउथ में जो डोसा का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने यहाँ का जो स्पेशल डोसा है वो लिया था, फिर मेरे बीच में ओनर भी आए थे हमारे से पूछने के लिए कैसा हमको लगा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का मैसूर डोसा भी बहुत ज़बरदस्त है और पूरे जोधपुर में आपको ऐसा मैसूर डोसा कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 180 रुपये दिए, इन्होंने डिस्काउंट भी दिया मेरे को, तो वो मुझे 150 में पड़ा, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त था। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।